आदाब, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं, इस वक्त हिंदुस्तान में एक और आंदोलन शुरू हो चुका है जिसे किसान आंदोलन कहा जाता है। ये आंदोलन हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से शुरू हो चुका है और किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं और दिल्ली आकर वहाँ पर धरना देंगे और अपनी मांगें पूरे करने की कोशिश करेंगे, मगर हुकूमत की जानिब से इन तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े बैरिगेट्स लगाए जा रहे हैं, मगर किसान अपने ट्रैक्टरों के ज़रिए उन बैरिगेट्स को हटाकर आगे अपने रास्ते तय करते हुए जा रहे हैं और दिल्ली पहुंचेंगे। और किसानों की मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन दी जाए और नई पेंशनें शुरू की जाए। MSP के बारे में भी उन्होंने बात की है और तमाम तर उनके जो मकासिद है, उनकी जो ज़रूरत के चीज़ें हैं उसको पूरा करने के लिए वो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हुकूमत जिस तरह से रोकने की कोशिश कर रही है, जिस तरह पुलिस का बल जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त किसानों को होता जा रहा है। किसान एक देश का अन्नदाता है, यानी अनाज को पैदा करता है और लोगों तक पहुँचाने के काम अंजाम देता है। इस अन्नदाता को यानी किसानों को गवर्नमेंट हर तरह की सहूलत मुहैया करना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन के मौके पर उनको कुछ रियायतें देकर उनसे वोट हासिल कर अपने आप को बचाने की कोशिश हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। हुकूमत सबका विकास और सबकी बात और सबकी भलाई की बात करती है, मगर हुकूमत सिर्फ वादे करती हुई नज़र आ रही है, मगर वादों को पूरा करना उसके बस में नहीं होता जा रहा है। अब अनकरीब जो है हिंदुस्तान में MP के इलेक्शन आ रहे हैं और वो इलेक्शन इतने महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं और BJP, कांग्रेस और भी जो पार्टियां हैं, देखना अपना रोल किस तरह अदा कर सकती है। और किसानों का आंदोलन जिस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इससे पता चलता है कि किसान अब अपनी बात को मनवा कर ही वापस लौटेंगे। और किसानों की ज़िद भी यही है कि जो वादे हुकूमत ने हमसे किए थे उन वादों को पूरा किया जाए, अगर वो नहीं करेंगे तो अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से अब इस मुल्क में आंदोलन शुरू हो चुका है और इसको पूरा रोकने के लिए हुकूमत क्या करती है। क्या हुकूमत सिर्फ बातें करना ही जानती है या उनके इरादों को पूरा कर इंसानियत के लिए काम करना चाहती है। आइए देखते हैं। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।